हेमंत सोरेन का दाढ़ी और कल्पना सोरेन का साड़ी है ना, झारखंड में ऐसा टक्कर दे रहा है ना कि सबको बर्बाद करके रख देगा। काफी हेमंत सोरेन का साड़ी और दाढ़ी में दम दिखा रहे हैं जेएमएम वाले, और सरकार काम भी किया है। मुसलमानों को अगर कुछ हाथ लगाएगा तो हम लोग ईंट से ईंट बचा देंगे, हम लोग का काटने के लिए है। तो लड़ाई झगड़ा नहीं करने बोल रहा है, मतलब मुसलमानों के लिए बस बोलता है ये। दंगा फसाद होगा तो रात चलेगा, आप बताइए कि दंगा फसाद करवाना है, बटोगे तो कटोगे, क्या है बीजेपी का जुमलेबाजी ना है, जर का है कुछ नहीं है, वोट लेना का है। 13 तारीख के बाद, आज के बाद देखिए राजनीतिक लड़ाई है, ऐसा नहीं ना कि व्यक्तिगत लड़िए। हाँ, भाभी के लिए खड़ा नहीं हो सकता है तो दूसरे के लिए खड़ा होगा। जो जो बोल सकता है कि डिफॉल्ट माल जो बोलता है उसका के लिए खड़ा नहीं हो सकता, अपना भाभी के लिए खड़ा नहीं हो सकता है तो ये खड़ा होगा। ये तो जो बोल रहा है वो हम भी जान रहे हैं, लेकिन बात रह गया कि परिवारवाद कौन किया। परिवारवाद सबसे ज्यादा है तो जेएमएम में कैसे है, आज परिवारवाद है बेटा बहू। अभी कल्पना सोरेन अब बन जाएगी मुख्यमंत्री, ये जेल बाप बेटा को टिकट दे दिया, चंपई को टिकट दिया, बाबूलाल को टिकट दिया, ऐसा देखे देखे बाप बेटा को टिकट दे दिया, घर देखे पहाड़े पहाड़, पैसा कहाँ से आता है सब ठीक है। बीजेपी परिवारवाद से जुड़ा हुआ है, कौन जेएमएम का जो गया है चंपई सोरेन उसका बेटा को मिला, अभी रीता तो परिवार है दे, जेएमएम से चंपई सोरेन के बेटा को मिल गया। ये बताइए कि बीजेपी में कौन अध्यक्ष बनेगा, आप बताइए, आप लोग बताइएगा ना जी, पार्टी का लोग हम बता सकते हैं जेएमएम में कौन बनेगा, कांग्रेस में कौन बनेगा, कांग्रेस में बनेगा तो राहुल गांधी के बाद प्रियंका वाड्रा बनेगी, और जेएमएम के बाद प्रियंका के गांधी के राहुल गांधी के बाद प्रियंका अड्रा बनेगी, उस सोरेन के बाद एक हेमंत सोरेन बना, हेमंत सोरेन के बाद इसका जनी बनेगी, कल्पना सोरेन बनेगी, काहे बनेगा। अरे जनता का समर्थन है, जन समर्थन है, जनता वोट दे रहा है तब ना बनेगा उसका जेएमएम का। देखिए यहाँ पे रातों में यहाँ पे जो कि काफी लोग आए हुए हैं और लोग से बातचीत करने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्या लग रहा है किसकी चर्चा है जी, यहाँ पे किसकी चर्चा है? ऐसे तो दोनों पार्टी जो है ना आपसी में लड़ रहा है, यहाँ भरत कांसी निकलेगा, भरत कांसी देखिए आपस में वो लोग लड़ेगा और भरत कांसी निकलेगा, कांसी निकलेगा, इन लोगों को लड़ने दीजिए, आइए बातचीत करने का कोशिश करते हैं। क्या लग रहा है किसकी रुझान चल रही है इस बार? सबका ही तो अच्छा ही चल रहा, सबका अच्छा चल रहा है। हाँ। क्या लग रहा है हटिया में कौन विधायक बनेंगे इस बार? अब तो हम कह नहीं सकते, अभी कहना मुश्किल है, कौन बनेगा, सबका अच्छा ही जा रहा है, बनेंगे नवीन जयसवाल बनेगा, जयसवाल बोल रहा है, क्या लग रहा है अभी तो कहना अभी मुश्किल है। क्या काम करेगा नवीन जयसवाल अगर विधायक बनते हैं तो? अभी कुछ तो नहीं किए, अभी रोड उड बन रहा है, कहाँ बनाया है, रोड उड नहीं बनाया, कहाँ बना है, बहुत कोई बोल रहा है अच्छा अच्छा रोड बना दिया। क्या बोले, जब तक वोट लेने रहता है तो बहुत कुछ बोलता है आदमी के बनाएंगे, लेकिन उसके बाद फिर खत्म हो जाए कुछ नहीं करता है। शिक्षा के क्षेत्र में क्या कराना चाहते हैं आप लोग? अच्छा से पढ़ाना लिखाना बच्चों को चाहते हैं, जो बाहर जाता है नौकरी के लिए उसको यहीं पे नौकरी देना चाहिए था। देखिए बहुत अच्छा बात बोले, जैसे कि हैदराबाद दिल्ली चेन्नई चले जाते हैं यहाँ से अपने बच्चों को छोड़ के बाहर, और असुरक्षित महसूस करते हैं अपने आप को, क्या है ही है, मतलब कि यहाँ फैक्ट्री सब खुलना चाहिए? हाँ, कुछ भी तो नहीं, कुछ भी नहीं, और इतना बच्चा लोग बेरोजगार है अभी, किसी का तो कुछ नहीं निकल रहा है, परीक्षा लिख के सब अभी बैठा हुआ है बच्चा लोग, कुछ तो हुआ नहीं है, लिख के पढ़ाए बच्चा लोग को, पर किसी का तो रोजगार नहीं हो रहा, नौकरी निकाल ही नहीं रहा है। देखिए अभी तक बात करें झारखंड में कमी है रोजगार, और लोग बातचीत करने की कोशिश करते हैं। दादा जोहार, क्या लग रहा है किसकी रुझान चल रही है इस बार? इस बार रुझान तो लग रहा है कि अजय नाथ साधो हमारे पंजा छाप का चल रहा है सर। आप ही लोग बोल रहे हैं नवीन जसवाल का नहीं चल रहा है, इधर नहीं चल रहा है ना, क्या नवीन जसवाल वर्तमान विधायक है, कैसे देखते हैं उसको? नवीन जसवाल 12 साल में कोई काम नहीं किया, कुछ काम नहीं किया ना, सही बात है जी, एकदम सही बात है, 12 साल का हम लोग उनका चेहरा नहीं देखे हैं 10 साल से, और इस बार हटिया विधानसभा में बदलाव तय है। अच्छा अजय नाथ सहदेव का क्या काम पसंद लगा आपको? देखिए अजय नाथ साहदेव लोकल आदमी है, लोकल आदमी का काम भी करते हैं, और ये सिर्फ जमीन दलाल का पार्टी हो गया है। काफी लोग बोल रहे हैं अजय नाथ साहदेव पालकोट का है, पालकोट का है कौन बोलता है? अब ये बोल रहा है बीजेपी वाला, बीजेपी बात है या गलत बात है हम लोग तो नहीं जानेंगे, बोला तो बहुत कुछ बोल रहा है अभी,
अभी बोल रहा है कि नहीं सो घुसपैठिया आ गया है। घुसपैठिया तो अमित शाह क्या कर रहा है? अभी दे रहा है जो किसको दे रहा है? बीजेपी वाला बांग्लादेश को दे रहा है, दे रहा है बांग्लादेश को दे रहा है और बोलता है कि नहीं घुसपैठिया आ रहा है। तुम तो खुद खुद शेख हसीना है, शेख हसीना तो यही आवल है, दे रहे हो तुम बांग्लादेशी को और बोलते हो कि हाँ बांग्लादेशी आ रहा है। झारखंड में कहीं बॉर्डर है बांग्लादेशी का? नहीं बता दे मोदी हमको कि है। अच्छा, क्या जवाब देना चाहिएगा जो बीजेपी वाला बोल रहे बांग्लादेश घुस बैठी है, मेरे सरकार आएगा तो खदेड़ के भगा देंगे, तो आया है कि नहीं आया? जो मुख्यमंत्री यहाँ प्रवासी आया है ना, हम उसको कहना चाहते हैं कि आपका जो घर में बांग्लादेश से जो घुसपैठी आ रहा था उसको आप का वहाँ कर रहे हैं? गृह मंत्री क्या कर रहे बोल रहे हैं? हाँ गृह मंत्री क्या क्या बोलना चाहिए? हाँ। देख रहे हैं वहाँ से गृह मंत्री। हाँ। जल सेना आपका है, थल सेना आपका है, वायु सेना आपका है, तो आप क्या कर रहे हैं? झारखंड का कोई भी इंटरनेशनल बॉर्डर से टच नहीं करता है, कहाँ से आएगा? कहाँ से आएगा आपका गवर्नमेंट साहब? क्या किया? ये जुमलेबाजी है का? हाँ एकदम जुमलेबाजी है, सही बात। सरकार में आप क्या किए सो बताइए ना, 18 साल तो सबसे ज्यादा राज आप किए हैं। झारखंड को तो लूटा है ज्यादा बीजेपी, बीजेपी शासन ज्यादा रहा है। आप देखिए हसदेव जंगल पूरा कट गया, हसदेव जंगल कट गया, कट गया ना। झारखंड में भी बीजेपी आएगा तो यहाँ का भी जल जंगल जमीन सब खत्म हो जाएगा, खत्म। झारखंड को बचाना है तो हेमंत को लाना है, हेमंत को लाना है। हाँ। बानी को देने वाला है, इसलिए सोच रहा है कि हम कैसनो खेला करके इस चुनाव को जीते, लेकिन वैसा खेला नहीं चलेगा झारखंड। खेला हो रहा है, कुछ खेला हो रहा है, खेला हो रहा है। क्या हो रहा है? वही बाहर से आदमी ला ला के मंत्री आ रहा है, पैसा बांट रहा है। हेमंत विश्व शर्मा, शिवराज सिंह चौहान, इन लोग कहाँ से पैसा ला? सेम पैसा बांट रहा है। हाँ इन्हीं लोग तो पैसा सही कर रहा है। देखिये हेमंत विश्व शर्मा जो के पैसा बांट रही है, आरोप लगा रहे हैं, कर रहा है। एक मुख्यमंत्री को लेकिन भी कुछ नहीं सक रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं सकेगा आज तक। अरे आप में दम है तो हेमंत सोरेन के खिलाफ झारखंड का कोई नेता नहीं है बीजेपी का जो हेमंत सोरेन से टकरा जाए। बाबूलाल पूरे टक्कर में, बाबूलाल मरांडी उसका पैर के नीचे है अभी, और जिंदगी भर हेमंत सोरेन का कद का नहीं हो सकता है वो। हेमंत तो बहुत दूर की बात है, कल्पना सोरेन से ही लोग भिड़ रहे। देखिए पहले कल्पना सोरेन से भिड़ना पड़ेगा। हेमंत सोरेन का दाढ़ी और कल्पना सोरेन का साड़ी है ना, झारखंड में ऐसा टक्कर दे रहा है ना, सबको बर्बाद करके रख देगा। काफी हेमंत सोरेन का साड़ी और दाढ़ी में दम दिखा रहे जेएमएम वाले, और सरकार काम भी किया है। अभी 200 यूनिट बिजली फ्री दिया है पूरा झारखंड में, भाजपा दिया था मैया समान, 4-4 यूनिट मिल गया। मैया समान योजना अभी सबको दे रहा है, 1,000 रुपया 56 लाख महिला को दिया है पैसा। फूले किशोरी समृद्धि योजना में 18 लाख बच्चा को दिया है, 8 क्लास से लेकर 12 क्लास तक को पैसा, 40,000 रुपया। काफी लोग बोल रहे हैं लॉलीपॉप है मैया समान, और बता रहे हैं, और 12 दिसंबर को सबका खाता में 2,500-2,500 रुपया आ जाएगा। और 5 साल के अंदर हेमंत सोरेन बोला है कि सरकार बनेगा तो कभी भी हम वही खाता में 1,00,000 रुपया डालने का काम करेंगे। और अभी आप देखिए जो 450 में गए किसान का कृषि ऋण भी 2,00,000 रुपया माफ किया है, माफ हुआ है, सब का माफ हुआ है। पूरे गांव में आप जाके देहात में पूछिए, जो गाय गोरु बेच के नहीं देने सकता था, जेल हो जाता था, केस हो जाता था, वो आज दिया है। मैया क्या होना चाहिए अब झारखंड में, क्या परिवर्तन होना चाहिए अब झारखंड में? परिवर्तन होना चाहिए, थोड़ा सा दिक्कत है कि हमको जो युवा को जो रोजगार नहीं मिला है, लेकिन हेमंत सोरेन अगर है ना, अगर हेमंत का सरकार आ रहा है और 100% सरकार हेमंत सोरेन का आ रहा है, उसके बाद अगले बार जो चुनाव 29 में होगा ना, तो बीजेपी को झंडा ढोने वाला भी आदमी गाँव में नहीं मिलेगा। झंडा ढोने वाला नहीं, झंडा ढोने वाला भी नहीं मिलेगा भाजपा का। पेपर लीक करा देता है बोला जेएमएम, खाली जेएमएम में पेपर लीक सिर्फ झारखंड में हुआ है क्या? यूपी में नहीं हुआ है, गुजरात में नहीं हुआ है, हुआ है हुआ है। तो फिर तो वहाँ कहने वहाँ क्यों नहीं कहता, यहाँ का बात कर रहा है वो। मतलब झारखंड मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन जी हैं, उनका मतलब भव्य तरफ से मतलब क्या बोलते सरकार बनने जा रही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है, चाहे वो कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो बीजेपी का हो चाहे कोई भी अदर्स पार्टी का हो, है ना। तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस गठबंधन अब सरकार बना रही है और बनेगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, अजय नाथ साधव जिंदाबाद। इसलिए आप लोग से हम बोलना चाह रहे हैं कि देखिए जिस प्रकार से हमारे हेमंत सोरेन जी जो कार्य किए हैं, जो महिलाओं के प्रति में, बिजली बिल के प्रति में, किसान ऋण के माफी में, चाहे वो ये क्या बोलते हैं
क्या बोलते हैं, मतलब रोड का मामला हो, चाहे कोई मामला हो, चाहे फूलेबाई सावित्री का मामला हो, है ना, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी कार्य किए हैं उस प्रकार से हेमंत सोरेन को दोबारा यहाँ पर आना निश्चिंत है और दोबारा आ रहे हैं, आएंगे, हाँ एकदम आएंगे, निश्चिंत आएंगे। दादा एक बात था, जैसे कि झारखंड के लोग यूपी हैदराबाद चेन्नई जैसे जाते हैं रोजगार के अवसर पे, क्या रोजगार दे पाएंगे इस बार सरकार बनती है तो जेएमएम की? देखिए 5 साल ये ठगबंधन का सरकार खाली जुमलेबाजी किया है, रोजगार के नाम पे 0 है। आज देखिए 2.5 लाख रुपये अबू आवास के लिए मिल रहा है, अब बालू 40,000 रुपये हाईवा मिल रहा है, कैसे होगा बताइए? 40,000 रुपये हाईवा बालू मिलेगा तो गरीब गुरबा जो 2.5 लाख रुपये मिल रहा है वो आवास बना पाएगा? बालू जो है काफ़ी दाम बढ़ गया, बहुत बहुत, 12,000 रुपये हाईवा मिलता था, आज के डेट में आप देख लीजिए 40,000 रुपये में मिल रहा है हाईवा। तो क्या लग रहा है, क्या होना चाहिए यहाँ पे फिर? बीजेपी का सरकार बनना चाहिए, बीजेपी की सरकार एकदम, प्रधानमंत्री आवास के तहत बालू फ्री दिया जाएगा, समझे ना, फ्री में, हाँ फ्री में, जो प्रधान, हाँ प्रधानमंत्री आवास जो बनेगा उसमें, हाँ, और जो पुराना रेट था 12,000 रुपया वही, गाड़ी भाड़ा तो लगेगा ना, हाँ वो लगेगा, सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। अब ये महिला सम्मान योजना दे रही है सरकार, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, विधवा पेंशन सबको रोक दिए, अभी बोल रहा है कि जेएमएम वाला 2500 कर देगा, 2500 कर देगा तो कहाँ से करेगा, हम ही लोग का पैसा ना, गरीब का, जनता का ठगा हुआ पैसा, बालू बेचा हुआ पैसा, वही ना करेगा, तो गरीबों को तो मदद हो रही है ना इससे, तो गरीब का लूटा हुआ पैसा कहाँ खर्चा करेगी? 5 साल कहाँ थे? अच्छा ऐसा क्या करे कि गरीब को मदद मिले और उसका गरीब परिवार जो है सक्षम हो? अभी बीजेपी का अगर सरकार बनती है तो गोगो दीदी योजना ला रही है सरकार, जो हर माह के 11 तारीख को आपके खाते में 2100 रुपया कितना जाएगा, 2100 रुपया, 2100, हाँ साल का 25,000 रुपया, और मोदी की गारंटी है, मोदी तो पूरी गारंटी, गारंटी पूरा होगा देती है, वो गारंटी होती है, हाँ 2 करोड़ तो नौकरी दे दिया, हर साल का गारंटी था, दिलवाए नौकरी 2 करोड़ का, देखिए 2 करोड़ का गारंटी था वो बोले पूरा नहीं हुआ जी, कहाँ यहाँ में तो जेएमएम सरकार भी कुछ बोला था, मोदी तो वैसा नहीं बोले थे, 8 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात की थी, उन्होंने एक भी रोजगार नहीं दी, सरकार भी नहीं मिला, जेएमएम की सरकार थी तो रोजगार देने की बात थी, अगर रोजगार नहीं देंगे तो भत्ता देंगे, रोजगारी भत्ता देंगे, बोले झारखंड में 5 लाख का, हाँ तो आपका मोदी जी भी 2 करोड़ का पूरा नहीं किया, 2 करोड़ बोले, चिल्ला के बोले 2 करोड़ देंगे नौकरी, रेलवे का हालत देख लीजिए, वैकेंसी है नहीं, देख रहे आपको भी बता दे रहे हैं, वो तो वीडियो देखिए लेगा, हाँ अगर झारखंड का जनता के प्रति मतलब क्या बोलते हैं 1,36,00,000 रुपया जो नरेंद्र मोदी लेके रखे हुए हैं वो झारखंड को क्यों नहीं देते हैं? झारखंड का पैसा है तो झारखंड का नहीं है तो किसका पैसा है? रॉयल्टी का पैसा जो है वो कहाँ ने दिया नरेंद्र मोदी, है ना, तो सही बात है। एक देखिए जुमलेबाजी तो चलिए रहा है, वो आरोप प्रति आरोप तो लगाना आदत ही है झारखंड सरकार की, वो लगाने दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ती सरकार को, बैठे प्रधानमंत्री वहाँ से पैसा भेजे और यहाँ झारखंड सरकार का पीए का नौकर का घर से 40-40 करोड़ रुपया निकले, यही चाहते हैं ना, गाड़ी गाड़ी 300 करोड़ रुपया निकल रहा है किसी का घर से, 40 करोड़। अभी बीजेपी सरकार का जितना नेता लोग है उसके पास से पैसा क्यों निकल रहा है? बीजेपी वाला से निकल रहा है, वो कैसे नहीं निकल रहा है, कौन नेता है, नाम पकड़ रहा है, पकड़ा रहा है सब जगह, झारखंड में सब जगह पकड़ा रहा है बीजेपी का, इसका नाम बताइए दादा, नाम तो नहीं बताएंगे स्पष्ट, इसलिए कि अगर मान लीजिए कि नाम बताएंगे तो मतलब ये लोग सोचेंगे कि मतलब अलग बोल बात कर रहे हैं, लोकतंत्र है अपने बातों को रख सकते हैं, लोकतंत्र है अपने बातों को रख सकते हैं। मोदी जी खाता मांगता है सब आदमी का, उसके खाता में पैसा भेजता है, ये लोग नगद कैश मांगता है, कहाँ से देगा नगद कैश? मोला भी तो खाता में दे रहे हैं मैया सम्मान योजना, ये तो कल परसों दे रहा है, जब छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश चालू हुआ उसके बाद से चालू किया है। आलमगीर तो आलम किस कौन पार्टी का नेता है? आलमगीर आलम मुक्ति मोर्चा जो हेमंत सोरेन देने का कार्य किए हैं वो 3 महीना से अरे 4 महीना से देने का कार्य किए हैं, ये बीजेपी वाला लोग जब इसका सरकार बनेगा तभी लोग 2100 रुपया देने का काम करेंगे, और दिसंबर से हम लोग 2500 रुपया देने का झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस देने का कार्य करेंगे। बोल रहे कि 5 साल कहाँ थे जी? तो 5 साल 20 साल लोग कहाँ था? बीजेपी कहाँ था बताइए, 18 साल से बीजेपी कहाँ था? भाजपा क्या किया सो बताइए हमको,
झारखंड के प्रति में क्या किया वो लोग? अगर बीजेपी 18 साल काम करता तो हेमंत सोरेन झारखंड में नहीं आता, लेकिन भाजपा काम नहीं किया इसीलिए हेमंत सोरेन बनाया और हेमंत सोरेन को जेल भेज के कल्पना सोरेन को नेता बनाया है तो बीजेपी वाला बनाया है और फाड़ के रख दे रहा है पूरा झारखंड में अकेले, पूरा हिंदुस्तान का बीजेपी का नेता। बालू का कीमत अभी है, इसमें गरीब लोग घर बनाने नहीं पा रहा है, सब दलाल लोग का हाथ में चल जा रहा है, हेमंत सोरेन के पास बालू का जितना पैसा है ना सब दलाल लोग मार ले रहे हैं। बालू का नहीं, अभी गैस का जो है जो जुमलेबाजी वाला किया है जो अपना निकाला है तो गैस बीजेपी का जितना सरकार है उत्तर प्रदेश में कहीं दे रहा है, 500 में क्यों नहीं दे रहा है, 500 में उसको देना चाहिए गैस। बालू का कीमत बता दी, बालू फ्री है अबू आवास वाला को? फ्री बालू ऑनलाइन देखिए फ्री है कि नहीं, गिरा दीजिए मेरा के लिए, मेरा गैस में फिर ये बोल रहा है फ्री का बालू फ्री है जी, मेरा गिरा दीजिए ना। अबू आवास मिला है आपको? हाँ अबू आवास कागज वही, हम बालू फ्री गिरा देंगे आपको, नहीं गिराइएगा तो एकदम हम गिरा देंगे, गिराइएगा ना। हाँ अबू आवास, हाँ लाते हैं सबका गिराना होगा, एक नहीं पूरा झारखंड में जितना अबू आवास मिला है अभी सबसे ज्यादा कीमत अभी 50,000-60,000 रुपए अभी मिल रहा है। देखिए इससे एक निष्कर्ष निकल रहा है, अगर जिसका जिसका अबोवास मिला है उसको बालू फ्री मिलेगा, पूरा पूरा सरकार जो है ना खाली सरकार यही काम है। नारे का मतलब क्या है? या बटोगे तो कटोगे बस करते हैं, जैमें मुस्लिम इसीलिए आज सब कुछ नहीं किया है, खाली हिंदू को लड़ा, मुसलमान को लड़ा, सिख को लड़ा, ईसाई को लड़ा, वही काम है और कोई काम नहीं है। पार्टी नहीं करते हैं मुद्दा का, हम लोग कांग्रेस है मुसलमान पार्टी, झारखंड के प्रति में जो डायरेक्ट बोलता है कि खाली लड़ो और लड़ाओ बस। कौन बोल रहा है लड़ो लड़ाओ? बीजेपी का काम है, वोट डालो राज करो। देखिए वोट डालो राज करो का नीति अब नहीं चलेगा, यहाँ सब मिलजुल के रहता है। बटोगे तो कटोगे, इसमें क्या है? बटोगे तो कटोगे, बीजेपी कह रहा है कि बटो मत, कटोगे तो कौन कटेगा उसे पूछिए भाजपा वालों से कि किसको आप कटवा रहे हैं, करना छोड़ दे सब बताइए, है ना सब बताइए क्या है बंदूक तरीके इधर कि मुसलमानों को अगर कुछ हाथ लगाएगा तो हम लोग ईंट से ईंट बचा देंगे, हम लोग का कटने के लिए है तो लड़ाई झगड़ा नहीं करने बोल रहा है, मतलब मुसलमानों के लिए बस बोलता है ये। अगर दंगा फसाद होगा तो राज चलेगा, आप बताइए कि दंगा फसाद करवाना है, बटोगे तो कटोगे, क्या है बीजेपी का जुमलेबाजी ना है, जर का है कुछ नहीं है, वोट लेना का है और 13 तारीख के बाद आज के बाद देखिए राजनीतिक लड़ाई है, ऐसा नहीं है कि व्यक्तिगत लड़ी है। हाँ भाभी के लिए खड़ा नहीं हो सकता है तो दूसरे के लिए खड़ा होगा, जो जो बोल सकता है कि डिफॉल्ट माल जो बोलता है उसका के लिए खड़ा नहीं हो सकता है, अपना भाभी के लिए खड़ा नहीं हो सकता है तो ये खड़ा होगा। ये तो जो बोल रहे हैं वो हम भी जान रहे हैं, लेकिन बात रह गया कि परिवारवाद कौन किया? परिवारवाद सबसे ज्यादा है तो जेएमएम में। जेएमएम में कैसे है? अरे जेएमएम का आज का झारखंड परिवार परिवारवाद है, बेटा बहू अभी कल्पना सोरेन बन जाएगी मुख्यमंत्री, ये जेल बाप बेटा को टिकट दे दिया, चंपई को टिकट दिया, बाबूलाल को टिकट दिया, पैसा देखे देखिए बाप बेटा को टिकट दे दिया, घर देखे पहाड़े पहाड़, पैसा कहाँ से आता है सब ठीक है। बीजेपी परिवारवाद से जुड़ा हुआ है, कौन जेएमएम का जो गया है चंपई सोरेन उसका पेटा को मिला अभी रीता तो परिवार है दे, जेएमएम से चंपई सोरेन के बेटा को मिल गया। बताइए कि बीजेपी में कौन अध्यक्ष बनेगा आप? बनेगा तो आप लोग बताइएगा ना जी, पार्टी का लोग हम बता सकते हैं जेएमएम में कौन बनेगा, कांग्रेस में कौन बनेगा? कांग्रेस में बनेगा तो राहुल गांधी के बाद प्रियंका वाड्रा बनेगी और राहुल गांधी के बाद प्रियंका वाड्रा बनेगी, उस सोरेन के बाद एक हेमंत सोरेन बना, हेमंत सोरेन के बाद इसका जनी बनेगी, कल्पना सोरेन बनेगी, काहे बनेगा? अरे जनता का समर्थन है, जन समर्थन है, जनता वोट दे रहा है तब ना बनेगा उसका जेएमएम का। देखिए यहाँ पे रातों में यहाँ पे जो कि काफी लोग आए हुए हैं और लोग से बातचीत करने का कोशिश करते हैं, यहाँ पे क्या लग रहा है किसकी चर्चा है जी, यहाँ पे किसकी चर्चा है? ऐसे तो दोनों पार्टी जो है ना आपसी में लड़ रहा है, यहाँ भरत कांसी निकलेगा, भरत कांसी देखिए आपस में वो लोग लड़ेगा और भरत कांसी निकलेगा, ये लोग को लड़ने दीजिए, वोट जो है ना चुपचाप बक्सा छाप, चुपचाप सही बात है, इन लोगों को लड़ने दीजिए आपसी में, जेएमएम वाला बीजेपी वाला, हम लोग
ग्रामीण क्षेत्र का और सब तरफ से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और वोट जो है शांतिपूर्वक दिया जाता है। ऐसे 5 साल हेमंत सोरेन का भी कोई बहुत बढ़िया कार्यकाल नहीं रहा, मगर हम लोग अपना हटिया का बात करेंगे। हटिया विधानसभा में भारत का क्या पसंद लगता है? पसंद लगता है गरीबों का काम करता है, हर समय क्षेत्र में रहता है, हर किसी के सुख दुख में आते जाते रहता है और जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। और ये लोग जो है बड़ा बड़ा पार्टी है, गरीब गुरुआ का बेटा विधायक। चलिए तब तक के लिए बने रहिए, आपस में जेएमएम कांग्रेस और बीजेपी लड़ेंगे बोल रहे हैं, और एक तरफ इधर से निर्दलीय से भारत काशी उसका भी काफी चर्चा, और इधर से निकल जाएंगे बोल रहे हैं। तब तक के लिए बने रहिए, जोहार।